ये आप लोगों के सामने है, ये वो टैंक है जो मैंने नया बनाया था और टेस्टिंग के लिए भर के रखा था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सपोर्ट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती हैं, ब्रेसबार्स का कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो उनके लिए मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये दो दिन पहले मैंने इसको बना के और टेस्टिंग में डाला था, यानी कि आप ये मान के चलिए कि मैंने इसको बृहस्पतिवार को बनाया था, शुक्रवार तक मैंने इसको सूखने दिया, 24 घंटे का टाइम जो सिलिकॉन को चाहिए होता है। उसके बाद शुक्रवार को रात को मैंने इसको भरा है और शनिवार की रात जो है बहुत आसान ठीक ठाक निकली है इसकी। संडे को भी इसमें बिल्कुल सही रहा, लेकिन आज सोमवार यानी कि 5 तारीख को जब मैंने सुबह आके इसकी कंडीशन देखी तो ये कंडीशन थी। ये पानी इसमें तकरीबन 40% पानी जो है वो निकल चुका है। जब मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो आप देख सकते हैं ये इंटैक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिरा भी इंटैक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस सिरे को चेक करते हैं तो ये भी इंटैक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब हम इस कॉर्नर पे जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ग्लास ने अपना, ये आपको नज़र आ रही है ये दरार, ये बैक ग्लास जो है इसका साथ छोड़ चुका है, इसका जॉइंट जो है वो छोड़ चुका है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये दरार दबाने पर भरती है, अगर छोड़ें तो ये गैप ऐसे आता है। अब ये टिका क्यों हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये जिस हिसाब से ये दरार आ रही है और ये पॉइंट छोड़ रहा है इसको, उस हिसाब से तो ये शीशा गिर जाना चाहिए था। लेकिन रीज़न क्या है, एक ये ब्रेस बार जिसने इसको भी पकड़ के रखा है और इसको भी थोड़ा सा पकड़ के रखा था, अब इसका तो साथ छोड़ दिया इसने, लेकिन ये ब्रेस बार जो कि इस शीशे के साथ साथ मैंने लगा के रखी है लॉन्ग में, और ये इसको भी पकड़ के रख रही है, इस शीशे की वजह से ये इस ब्रेस बार ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ये साइड इस ब्रेस बार ने पकड़ी है और ये साइड इस ब्रेस बार ने पकड़ी है। यहाँ से हालांकि इतना पोर्शन जो है ये छोड़ चुकी हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को पकड़े रहने के कारण ये शीशा अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। तो कहने का मकसद यही है कि चाहे छोटा टैंक हो चाहे बड़ा टैंक हो, आप सेफ्टी फैक्टर के लिए ब्रेस बार्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से।